गए थे। इसके बाद दूसरी सरकार आई, उसने हमें कुछ लायक समझा और हमारा वेतन 250 से 3500 रुपए कर दिया, जो हमारी दूसरी माँ थी। आज ये हमारी तीसरी माँ फिर बीजेपी रूप में आई है और इसने हमारे जान को जो इसने जन्म पैदा किया है शिक्षा मित्र की हमारा, उसको फिर उसी तरह ला करके जहाँ था उसका संपूर्ण अस्तित्व और सम्मान एक कोर्ट की आदेश सर्वोच्च न्यायालय जो हमारे मान्य है उनका सारा लेकर के रद्द कर दिया हमारा समाजन। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय का कानून की व्याख्या करना होता है किसी भी न्यायालय का, लेकिन जहाँ जनमानस और हम 172,000 है, ये हमारे जन जीवन और व्यक्तियों के लिए नियम कानून बनते हैं, लेकिन न्यायालय ने हम 172,000 को साथ जुड़े हुए 10-20 लाख व्यक्ति सबको चेतन पूछ करके हमारा समायोजन रद्द कर दिया है। मैं इसके बारे में बताता हूँ, जब हमारा समायोजन 25 जुलाई को रद्द हुआ, उसके बाद में हमारे 30-40 जितने भी भाई साहब ने बताए शिक्षा नीत स्वलोक सुधार गए हैं। क्या कोई ऐसा भी कानून होता है जिसके आगे कि जो मौत बलिदान मांगता हो, अगर इसे बचाने का एक ही तरीका है जिसके लिए सिर्फ अध्यादेश चाहिए, अध्यादेश चाहिए। और शिक्षा नीत के रूम में उसके लिए जो जो यूनियन सारा दे रही है, घर परिवार दे रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि शिक्षा में कि ये कोई समाज आयोजन कोई वैसी कैसी तरकीब द्वारा नहीं था, ये इसकी 17 साल की तपस्या थी और इसका दर्जा क्या था मैं भी मैं बताना चाहूंगा। किसी ने बताया है कि भगवान के बताने वाला रास्ता ही भी भगवान से बड़ा शिक्षक का दर्जा दिया है, इसी के पढ़ाए हुए बच्चे आज देश के विभिन्न कोनों में विभिन्न फोर्सों में और विभिन्न पदों पर है, जब ये योग्य था जब ये 3500 और 2250 रुपए लेता था, जब इसको 40-30-40 हजार रुपए मिलने लगा तो सरकार की निगाह में ये खटकने लगा और इसको कोर्ट के माध्यम से बाहर करने का एक तरीका ले लिया। अगर कोर्ट बाहर करता है, कोर्ट का मानना सर्वोपरि है सबके लिए, लेकिन अध्यादेश ला जाए, एक विधायिका होती है जिसमें विधायक बनने का काम होता है, उसमें अध्यादेश लाकर विधायक बनाया जाए और हमें अपना समायोजन भार और हमें अपना आत्मसम्मान वापस दिया जाए। और मैं बताता हूँ इस शिक्षा मित्र रूप में एक नारी के रूप में यह क्या कहती है, मैं खड़ी हूँ अंधकार में, मैं खड़ी हूँ अंधकार में आज अपने आज सम्मान बचाने को, सर्वोच्च न्यायालय का सहारा लेकर नेताओं ने मेरा सम्मान को रद्द किया। वो कैसे कैसे क्या क्या कहते पुकारती है ये शिक्षा रूपी नारी, जिस सूत्र को मैंने दूध पिलाया आज ललकारती उस सूत्र को हूं, अपने आप सम्मान के लिए उस सूत को आज ललकारती हो। उस ललकार के बदले में वो सूत क्या कहता है, दूध पिया है माता तेरा आज इस कदर बड़े हुए, कहीं 10वीं में कहीं 12वीं में कहीं BSc में आए हुए, अपने सम्मान हारने के एक मैसेज पे हम कहीं सड़कों पर तो कहीं रेल लाइन पर, तेरे एक मैसेज पे तेरे सम्मान के एक सबर के बांध टूटने पर ऐसा महाकाल ला देंगे जैसा इतिहास में आज भी नहीं होगा। और एक बात और बता दू, मैं खुद देख कर बताना चाहता हूँ, और एक बात और बताना चाहता हूँ, जो भाई मेरे पीछे बैठे हैं वे थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। जब ये हमारा समायोजन रद्द हुआ, इसमें हमारे भाई सचिन शर्मा ने बागपत में
फैसला लिया था कि आज शिक्षा मित्र वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय सभी शिक्षा मित्र भाई बन के दो दिन के लिए बंद करवाएंगे। उसमें बहुत झपटे हुई और वह कार्यालय दो दिन के लिए बंद हुआ। और इसमें मैं थोड़ा आगे बताऊंगा, लंबा भाषण चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे बैठ जाइए, सब सुनिएगा। अपने आप सम्मान के लिए क्या क्या खेल पहुँच गया, अपने सुहाग ने अपने सम्मान के लिए क्या कहते, जैसे मेरी मांग भरी थी कभी सिंदूर से, ऐसी मेरी मांग आज भर दे, इन झूठे वादे कर आए सत्ताधारी नेताओं के खून से। क्योंकि इन्होंने वादे जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगीनाथ जी ने वादा किया था, जब अखिलेश सरकार सत्ता में थी, हाई कोर्ट का फैसला आया था, तो इन्होंने गोरखपुर मंच से कहा था कि मृतक आश्रित को सरकार को 5-5 रुपए की आर्थिक मदद देनी चाहिए। और सत्ता के पास, सरकार के पास, सत्ता के पास ऐसे बहुत से विकल्प है जिसके शिक्षा मित्र को निराश नहीं किया जा सकता और उसे उसके समान पद पे लाया जा सकता है। आज ये विकल्प कहां चले गए? उस समय तो मरने वालों के लिए 5-5 आर्थिक मदद थी, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उन्हीं योगी जी की सरकार है, वे आज उनकी आर्थिक मदद या उसके सम्मान के लिए क्या कर रहे हैं बताए। दूसरे में क्या कहते हैं, हमने बागपत जिले में बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया था, वो क्या था, रघुपति राघव राजा राम, माननीय योगी जी की बुद्धि में भर दो ज्ञान। 30-40 किलो देसी गाय के घी से हमने बागपत में बुद्धि शुद्धि का यज्ञ किया, लेकिन हमने विधि विधान से चलने वाले ये नहीं था कि हमारे भाई शिक्षा भी ऐसे ही मरते जाएंगे और हमारे आप सम्मान के लिए अध्यादेश लाने में पता नहीं कितना समय लगेगा। हमारा एक ही नारा होगा, अध्यादेश लाओ, अध्यादेश लाओ, शिक्षा मित्र रूपी आप सम्मान को बचाओ। वो शिक्षा रूपी भाई भाई के रूम में किस प्रकार कहते हैं, मैं आज खड़ी हूं अंधकार में, और सम्मान आज अपना बचाने को ललकार रही अपने सभी भाइयों को, जिन हाथों में बंधी थी बंद, जिन हाथों में कभी बांधी थी राखी, उन हाथों को रक्षा के लिए ललकार रही, और सम्मान की गुजारिश लिए हाथ जोड़ में पुकार रही। उसके रूम में क्या कहता है भाई, और फौजी भाइयों की तरफ से जो किसी के माल, किसी के बाप, किसी के भाई हैं, वे क्या कहते हैं, शिक्षा मित्र के एक मैसेज पर हम खड़े हैं जिस शिखर पर, किसी के पुत्र, किसी के भाई, किसी के पुत्र, किसी के भाई, होश में जातम हम हैं, कर देंगे विद्रोह हर फोर्स में जहां पर हम तैनात हैं, मंगल पांडे की तरह और हमें लगा देंगे, दासों की तह कहीं पर भी बिछा देंगे। भाइयों की तरफ से भाई क्या कहता है, मैं खड़ा हूं खेत खलिहान में, पहाड़ पे बस बहन तेरे एक मैसेज पर और सम्मान के मैसेज पर, अगर हमारा बोल कभी टूटता है, सरकार कोई नहीं सुनती है और आखिरी वक्त हमारा आ जाता है, तो क्या कहते हैं सर कि एक मैसेज डाल देना फोन पे या व्हाट्सएप पे, जितने हमारे भाई भतीजे हैं सब क्या करने को तैयार हैं, जिन हाथों में बंधी थी राखी
उन हाथों को कभी झुकने न देंगे। तेरे एक सम्मान दिलाने से पहले उन हाथों मस्तक को कभी कटने न देंगे। मोदी की तरफ से सब हजार मजदूर किसान के बेटे हैं, जो शिक्षा मित्र है सब नीम कोटि के किसान मजदूर के बेटे हैं। वे क्या कहते हैं, हम ज्यादातर किसान परिवार से, पिछली बार तो हमने किसान यूनियन ने मुरादनगर में पाइप लाइन का पानी रोक दिया था। प्रशासन ने अपनी पूरी फौज पाइप लाइन मुरादनगर पर लगा दी थी, लेकिन हम पानी रोक गए थे और प्रशासन को मुंह की खानी पड़ी थी। परंतु यदि आज तेरी मांग में और सम्मान भड़कने वालों का खून चाहिए तो दिल्ली में पानी पाइपलाइन की जगह है। अगर तेरे आज सम्मान हड़पने वालों का खून चाहिए तो दिल्ली में पाइपलाइन की जगह है और सम्मान खत्म करने वालों की खून की पाइपलाइन बन जाएगी। आखिरी में सगे संबंधी कुटुंब कबीला ग्राम प्रधान क्या कहते हैं, हम गांव गांव से दस बीस लोग भी अगर जेल में गए तो जेल में इतने होंगे कि जिला कारागार जेल में जगह नहीं मिलने की, खड़े होने की भी। और सेकंड में जिला कारागार जेल की नींव भर जाएगी। प्रधान क्या कहता है, जिस हरियाली के पेड़ को मैंने लगाया था उसे कभी बुझने न दूंगा, उसके हक की लड़ाई में मैं खुद फांसी पर झूल जाऊंगा। ये शिक्षा मित्र उसके चाहने वालों की गरजना है। आश्वासन का समय व्यतीत होने पर और समर का बांध टूट जाने पर जब ये पहुंचेंगे तो ऐसा महाकाल आएगा जो इतिहास में आज तक कभी नहीं आया होगा। और मैं बता दूं कि बिल्कुल भी चिंता मानने की जरूरत नहीं है, ये शिक्षा में और इसके साथ लगे हुए इसके परिवार के 10-20 लाख लोग इसकी साथ मरने को तैयार हैं। हम शिक्षक हैं, शिक्षक की मर्यादा में रहेंगे और शिक्षक की बात ही विधि विधान से हाथ जोड़कर पहले अपने सम्मान को मांगेंगे। ये किसी ने सच्चा है कि पहले जब कोई लूट जाता है तो उसे हाथ जोड़कर मनाते हैं, दो चार आदमी ले जाकर मनाते हैं और जब भी वह नहीं मानता तो बड़े आदमी उसके फिर जाकर पंचायत देते हैं और उसकी कोई बुराई नहीं होती। हमारे गांव में ये कहते हैं कि सबने बनाया था, हाथ पांव भी जोड़े थे लेकिन मानना नहीं, रावण बन गया था, एंकर को खत्म करना पड़ता। आज यही स्थिति सरकार की बढ़ती जा रही है, वे अपने एंकर के चक्कर में हमारे शिक्षा मित्र भाइयों की मौतें हो रही जा रही है। कोई आत्महत्या करता है, कोई मानसिक संतुलन खोए हुए कोई एक्सीडेंट मरता है। ये सब जिम्मेदारी सरकार की है क्योंकि उसने हमारा मानसिक संतुलन खराब कर दिया है। एक अध्यादेश लाने में 10-20 लाख व्यक्तियों का भला करने में जो शिक्षा मित्र रूप से जुड़े हैं, मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ माननीय श्री मुख्यमंत्री जी, माननीय श्री मोदी जी और माननीय श्री अमित शाह जी से कि इस अध्यादेश को लाने में एक अक्षर की देरी करे बिना ये विधायिका में विधायक लाकर पास कर दिया जाए और इन शिक्षा मित्र रूपी जाति के आप सम्मान को बचा लिया जाए। ये किसी एक का आप सम्मान नहीं, ये इससे जुड़े हुए 10-20 लाखों लोगों की पुकार है। आखिरी में मैं कहता हूँ, अनिल यादव तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ।
साथ है। अनिल यादव तुम संघर्ष करो, अनिल यादव तुम संघर्ष करो, अनिल यादव तुम संघर्ष करो। शिक्षा मित्र एकता, शिक्षा मित्र एकता, शिक्षा मित्र एकता। सचिन तुम संघर्ष करो, सचिन तुम संघर्ष करो।